नरेंद्र शर्मा जी की थी और इन्होंने मुझे कहा था कि सर ये लेसन प्लीज आप दीजिए और ये लेसन आपसे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। ऐसा नहीं है बॉस, एक से एक आर्टिस्ट है, एक से मैं जीरो हूं यार। अब मेरे पास कुछ कुछ कमेंट आते हैं, आप जानते हैं मेरे पास कुछ कुछ कमेंट आते हैं कि सर आपको थ्योरी आता नहीं, आप थ्योरी के लेसन कैसे देते हो? जानते हो 7 6 9 क्या होता है? तो सोचता हूँ छोड़ो, बच्चों से मुंह नहीं लगाना चाहिए। नरेंद्र जी ये पार्ट मैं आपको इन स्टार्टिंग का इंट्रो सिखा दे रहा हूँ आज, और सॉरी फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू, मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है क्योंकि मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, आंख है भरी भरी और तुम, देखो ये जब ओरिजिनल सुनोगे तो ओरिजिनल का वर्जन और जब खुद प्ले करोगे तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस इसलिए आएगा, वो टोन के चलते वो डिफरेंस है, क्योंकि उनका जो टोन क्वालिटी लगा हुआ है वो 12 पिस्टिंग का लगा हुआ है। 12 पिस्टिंग टोन क्वालिटी लगने के चलते क्या होता है कि वो साउंड थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान से रखो समझो, कभी कभी क्या होता है जैसे साथ में कोई गाना, जैसे मान लो ये साथ में अगर इसको जी में कर लेना तो ये गाना इजी हो जाएगा, ये पार्ट लेना ये इजी हो जाएगा। देखो ये आराम से ले लोगे, बात याद रखो सब। नरेंद्र जी अभी या आपका ये डिमांड था, आप सबको बताता हूं, जो गाना कंपोज होता है तो वो गाना कंपोजिशन जो होता है वो पर्टिकुलर उस स्केल में होने का एक रीजन होता है, तब किसी गाने को उस स्केल में कंपोज किया जाता है। याद रखना कभी भी आप उसको अपने आराम के अनुसार से बजा लोगे बट ओरिजिनलिटी उस गाने की खत्म हो जाती है, ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए आपको ये हमेशा ये कोशिश करना है कि गाना जिस स्केल का है आप उसी स्केल में उसको बजाइए। ठीक है, इसके चलते मैं आपको सबको बता दूं, कैपो मत लगाना कभी, कोई जरूरत नहीं है, बेकार चीज होता है एकदम। अब देखो नरेंद्र जी, देखिए एक चीज और सिखा दूं, इस फिंगर को आप 6 नंबर फ्लैट में खड़ा कर दीजिएगा। देखिए ऐसे खड़ा है ना, ये एफ शार्प मेजर यहां कौन है, आप इसको फुल लीजिए, यहां पर ऐसे लिए। अब देखिए लेने के बाद क्या है, कैसे कैसे लिए हम देखिए देखिए ध्यान से, एफ शार्प बी, एफ शार्प सी शार्प, थर्ड नंबर स्ट्रिंग देखिए 6 नंबर पे। तो ये फिंगर ये खड़ा हो जाएगा तो फिर कुछ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत स्मूथ बजाइए। अब प्लैटिनम अप डाउन करना है, ठीक है, देखिए ये कैसे हो रहा है, ये भी ले लिए ना 4 नंबर फिंगर से, यहां पर देखिए ले लिए, ले लिया आराम से इसी सब, तो कैसे लग रहा है, माने एफ शार्प सी शार्प फिर सी शार्प, यहां पे फिर बी फ्लैट, 8 नंबर स्ट्रिंग का 6 नंबर फ्लैट। तो ये फिंगर को ऐसे खड़ा रखिए, ये फिंगर कैसे कर करो, माने डी शार्प डी जी शार्प एफ डी शार्प डी सी शार्प, फिर भाई ये हो गया। अब देखो ए इसको ध्यान दे, ए शार्प सी शार्प पड़ेगा।
पार्ट दे चुका मैं आपको, उसके बाद आगे का जरूरत हो तो बताइएगा, फिर आगे भी सिखा दूंगा।